नमस्कार, क्या कहें, खैर छोड़िए, स्वास्थ्य की बात तो बात की, आते हैं पॉइंट पे। लोकतंत्र के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और यहाँ के खूबसूरत ज़िला की एक लोकतांत्रिक खबर को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि कितने लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ जाए। आपको बता दें कि जिला जौनपुर के जिला चिकित्सालय यानी जिसे जिला सदर कहते हैं, वहाँ का कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर अपने पैसों से 20-20 हज़ार तक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर लोगों को मदद करते हुए दिखाई दिया था। उस ड्राइवर का कहना था कि उससे ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि जिला प्रशासन इस दर्द को देख भी रहा है, सुन भी रहा है और बर्दाश्त करके इग्नोर भी कर रहा है। उस ड्राइवर पे वो समाजसेवी ड्राइवर, उसके ऊपर FIR हो चुकी है। आप इसे ये चीज़ जानकर आप लोगों को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो इस खबर को सुना रहा है, यानी कि हम चौथे स्तंभ कह जाते हैं मीडिया, यहाँ पर उस ड्राइवर के ऊपर FIR हो चुका है। और ये पक्की बात है क्योंकि नगर कोतवाल से बात होने के बाद इस बात की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। प्रशासन ने उसके ऊपर FIR करते हुए यह आरोप लगाया है कि यह ड्राइवर लोगों के बीच महामारी फैलाने का काम कर रहा है। जिला में जो इस तरीके से मदद कर रहा है उन पर FIR करते हुए नजर आ रहा है। इस ड्राइवर की मात्र इतनी सी गलती थी कि इसने जिला प्रशासन को बिना इल्जामात लगाए खुद कमर कसकर यह भाई यह देवदूत लोगों की मदद में उतर चुका था। जिला प्रशासन ने इस पर ही महामारी फैलाने का आरोप लगा दिया। हाँ, वो अलग बात है कि मतगणना से लेकर चुनावी प्रकरण में जिला प्रशासन सरकार का बखूबी साथ दे रही है और उन जगहों पर जिला प्रशासन का मानना है कि महामारी कहीं भी नहीं फैल रही है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आपको कि मतगणना में जाने वाले उन लोगों के जो प्रत्याशियों के संबंधित थे, जिनका मतगणना में एक रोल था, उन्हें भेजने के लिए सरकार ने RT-PCR जांच की बात कही थी, जिसके बाद सामुदायिक केंद्रों में लोगों का RT-PCR रिपोर्ट के लिए जिस तरीके से जमावड़ा लगा था वह महामारी नहीं फैलाता। आपको चुप होना चाहिए क्योंकि देश हमारा अघोषित इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। ये कुछ भी करे हमें चुप रहना है क्योंकि हमारी संपत्ति कुर्क हो सकती है। इस बात का ध्यान दें कि सब ठीक है, उत्तर प्रदेश में सब ठीक है। हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उस महामारी फैलाने वाले पर अब केस दर्ज हो चुकी है और जौनपुर कोरोना के खतरे से अब कहीं ना कहीं बाहर आते हुए नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन उस पर कौन कौन से कड़े मुकदमे दर्ज करते हैं और उसकी जमानत पता नहीं अब हो पाएगी भी या नहीं। प्रशासनिक तौर पर जिस तरीके से जौनपुर में सुव्यवस्था का पूरा इल्जाम किया गया है, उस तरीके में यह ड्राइवर जो कर रहा था वो महामारी फैलाने जैसा था, कथानुसार जिला प्रशासन। कार्रवाई को देखते हुए जौनपुर के कई लोगों में इस चीज़ का समर्थन भी होगा, लेकिन आपके मुंह पे ये थप्पड़ है। जो गरीब, जो असहाय खुद लोगों की मदद करने पे उतरा था, 8,000 की नौकरी पर काम करने वाले इस ड्राइवर ने 20-20 हज़ार के कालाबाजारी में से सिलेंडर को खरीदते हुए लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसने लगातार मरीजों को बचाने का क्या क्या कार्य किया था। सारे हथकंडे अपनाने के बाद इसे जिला प्रशासन की तरफ से सौगात में मिला है और वो है FIR। जिस तरीके से दूसरे के कर्मों पर उत्तर प्रदेश पुलिस एक दूसरे की पीठ थपथपा ले रही है और जिला प्रशासन सब्जियों के लगातार भाव गिराते हुए नजर आ रहा है, वहीं इस प्रकार का यह वाक्या जो इस ड्राइवर के द्वारा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं महामारी जैसा ही था, कथानुसार जिला प्रशासन। अब देखना यह है कि इन तमाम लोग जो लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, इन लोगों ने कितना महामारी फैलाया है। इस पर भी जिला प्रशासन जल्द ही कार्रवाई हो सकता है कि करे। बेबाकीता की पत्रकारिता से यानी ATI न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। मैं था राणा, धन्यवाद।